हां जी, स्वागत है आपका फिर से कटिंग चाय में, जहां हम टेक की गर्मा गर्म जानकारियों को चुस्की में बांटते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लो लेवल डिजाइन यानी LLD के बारे में। HLD के वीडियो के बाद में ऑब्वियसली बात है कई कमेंट्स आए, कई लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि LLD का भी एक कटिंग चाय वीडियो बना दो, तो ऑब्वियसली बात है बनाना ही था। LLDs जो हैं वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के लिए फाउंडेशन का काम करते हैं। चलिए आइए LLDs को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। LLDs को समझने के लिए सोचिए Amazon की वेबसाइट है। हाई लेवल डिजाइन ने वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया है, लेकिन LLD में होती है उसकी असली डिटेलिंग। हर बटन, लिंक, सर्च फंक्शनैलिटी, ये किस तरह से काम करेगी, कौन सी एल्गोरिदम होगी, उसके सारे कोडिंग स्पेसिफिकेशन LLDs में आते हैं। याद है जब WhatsApp ने एंड टू एंड इंक्रिप्शन इंट्रोड्यूस किया था, उसके LLD में हर मैसेज के इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, उसका क्या प्रोसेस होगा, एल्गोरिदम क्या होगी, उसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, ये सारे के सारे स्पेसिफिकेशन होंगे। इसी तरह से LLDs काम करती है। अगर आपको एक और LLD का उदाहरण चाहिए तो मार्स रोवर का सॉफ्टवेयर ही ले लो। उसमें हर सेंसर, मोटर, कैमरा, उसका कौन सा कंट्रोल एल्गोरिदम होगा, उसका डेटा प्रोसेसिंग मेथड क्या होगा, उसके कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, ये सब कुछ मेटिकुलसली डिजाइन किया गया था उसके LLD के अंदर। नेटफ्लिक्स की जो रिकमेंडेशन सिस्टम आप देखते हैं, ये भी LLD की बदौलत ही इतनी प्रिसाइज है। यहाँ LLD यूजर डेटा प्रोसेसिंग के लॉजिक्स, मूवी मैचिंग एल्गोरिदम्स, उसका यूजर इंटरफेस, क्या एलिमेंट्स होंगे, क्या डिफाइन होगा, क्या नहीं होगा, ये सारा प्रोसीजन LLD के अंदर ही सबसे पहले डिजाइन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली वो सिर्फ VS कोड खोलते हैं या फिर NeoVim खोलते हैं और कोड करने लग जाते हैं। नहीं, पहले प्रोसीजन और उसकी क्लैरिटी, उसका गोल सब LLD में डिफाइन होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने गेमिंग कॉन्सोल्स तो देखे ही होंगे। गेमिंग कॉन्सोल जैसे Xbox या PlayStation, इनके LLD में होती है डिटेल्ड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की इंटीग्रेशन, कंट्रोलर का रिस्पांस मैकेनिज्म, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स के प्रिसीजन कॉन्फ़िगरेशन, ये सब कुछ LLD में होता है। तो LLDs को थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है। हर चीज को सिर्फ पार्किंग सिस्टम या फिर मेलिंग सिस्टम से देखने की जरूरत नहीं है। LLDs जानकारी के लिए होती है, प्रिसीजन के लिए होती है, डिटेलिंग के लिए होती है। और ये जो LLDs की जानकारी है, इसमें जो कंट्रोल है, इसमें जो मास्टरी है, वो आपको काफ़ी हद तक कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में सुन के देख के मिल जाती है, लेकिन एक्चुअली में असली इसके ऊपर महारत तो आपको तभी हासिल होगी जब आप कुछ खुद बनाएंगे। तो ये थी LLD की कटिंग चाय में छोटी सी यात्रा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ। आशा करते हैं कि आपको ये सेशन काफ़ी यूजफुल लगा होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है चैनल को। और याद रखिएगा, डिटेल्स में ही डेविल छुपा होता है और डिटेल्स में ही LLD होता है। या फिर यह कहें कि डिटेलिंग ही LLD है, LLD ही डिटेलिंग है, तो भी ठीक ही है।